ये तो इंडिया पे कि इंडिया यानी कि हमारी मदद करेगा, अब इंडिया में डिपेंड करता है ना वो किसकी मदद करता है या कि इस मामला इसको यानी कि सोल्व आउट करवाता है, जंग की सुलह करवाता है वो तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद वैस। अच्छा अवैस, मुझे ये बताएं कि अगर बात करें इस वक्त हम रशिया एंड यूक्रेन की, इनके दरमियान में जंग चल रही है, जंग बंदी के लिए यूक्रेन ने इंडिया से हेल्प मांगी है, तो आपको क्या लगता है कि किन वजूहात पर जो यूक्रेन है वो इंडिया पर बिलीव कर रहा है कि वो कुछ ना कुछ करेगा? इंडिया के अलावा कोई और ऑप्शन है उनके पास? यूएन का ऑप्शन हो सकता है। नहीं, उनको इंडिया ज़्यादा बेहतर लगता होगा ना कि इंडिया यानी कि उनकी हेल्प करेगा वो, मे बी को पाकिस्तान को भी करता, लेकिन पाकिस्तान की अपर लास्ट सेट नहीं हो रहा तो क्या करेगा वो? सही हो गया। तो मतलब कि देखेंगे, अगर पीस की बात की जाए तो जो यूनाइटेड नेशन है उसको एक पीस का इदारा माना जाता है, तो इन जंग की सूरत हाल में जो यूएन है उसको पहला रोल अदा करना चाहिए, लेकिन अब जो यूक्रेन है उसको इंडिया की मदद लेनी पड़ रही है, तो फिर यूएन को खैराबाद कह देना चाहिए। सारी बात, उनको जब उनके पास कोई जा ही नहीं रहा, कोई केस हैंडल नहीं कर रहे, तो सारी बात उसको तो ख़त्म हो जाना चाहिए। जब दो यानी कि एक सीरियस होता है हमारा लीडर होता है, उनके पास जाके मसले सोल्व कराते हैं, जब वो आपस में लोग करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं बैठने का, तो बेहतर ये कि उसे यानी कि अलविदा हो जाना चाहिए। सही हो गया। लेकिन अगर बात की जाए, इस वक्त यूक्रेन ने मांगी है इंडिया से हेल्प, लेकिन जो इंडिया के तालुकात हैं वो तो हमें रशिया के साथ ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रहे होते हैं। रिसेंटली उनकी ऑयल की डील हुई तो रशिया ने सबको 60% पे दिया, लेकिन इंडिया को 48% पे दिया, तो इसके बावजूद आपको क्या लगता है कि डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेटिक वेज हैं, क्या रीज़न है बिहाइंड इस चीज़ के वाकई ही जो इंडिया है वो यूक्रेन की मदद कर जाएगा? मे बी कि जो उनको उम्मीद हो इंडिया पे कि इंडिया यानी कि हमारी मदद करेगा, अब इंडिया में डिपेंड करता है ना वो किसकी मदद करता है या कि इस मामला इसको यानी कि सोल्व आउट करवाता है, जंग की सुलह करवाता है, वो तो अब इंडिया में डिपेंड है। उनके तलुकात दूसरी टीम के साथ ज़्यादा है, मे बी दूसरे मुल्क के साथ, और दूसरे मुल्क के कम तलुकात है, उन्हें मदद मांग ली है। अब इंडिया वहाँ पर मेन यानी किरदार अदा करेगा, वो इंडिया पर डिपेंड करता है वो कैसे करता है। सही हो गया। तो आपको क्या लगता है इस चीज़ को देख करके, जो रशिया है या यूक्रेन है उनकी जो जंग बंदी है वो हो जानी चाहिए, क्योंकि जंग कोई रीज़न नहीं होता किसी भी चीज़ का, ठीक हो गया, उल्टा नुकसान ही होता है इस चीज़ को लेकर, और इंडिया खुद एक सेकुलर स्टेट है, तो आई थिंक सो कि इंडिया कुछ ना कुछ कर ही जाएगा इस चीज़ को लेकर। नहीं, मेरे ख्याल में नहीं जंग होनी चाहिए, क्योंकि जंग हर मसले का हल नहीं होता, जब वो मर जाएगा वो मर जाएगा, हर चीज़ उधर रह जाएगी, इसको बैठ के यानी कि सुलह करके एक यानी कि प्लेटफॉर्म पर बैठ के आपस में जो भी आप मामला तय करें, कमी पेशी आती रहती है, लोगों में भी आती रही है, तो फिर हमारी कंट्री या मुल्क है तो आपस में बैठ के अपने जागरत करें, अपने जो भी उनका लेन देन वो करे, तो कोई मसला नहीं होगा। कोई होता है कि अगर एक आदमी या एक मुल्क थोड़ा यानी कि डाउन हो जाता है या मी के समझ जाता है तो ऑटोमेटिक चीज़ बेहतर हो जाएगा, वो दूसरा मुल्क बोलेगा नहीं जी मैं हूँ, तो वहाँ जाके भी मसले खराब होते हैं। सही होगा। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इस वक्त हम बात करें रशिया और यूक्रेन की, तो आपको पता है उनके दरमियान जंग चल रही है, ठीक हो गया, और जो यूक्रेन है उसने इंडिया से मदद मांगी है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी कराई जाए, तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ को लेकर के इंडिया ये चीज़ करवा सकता है? मुझे नहीं लगता कि करवाएगा या नहीं करवाएगा, करवा सकता है या नहीं करवा सकता। हाँ, ये उसने एक अच्छा किया है कि मतलब जंगबंदी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जंगबंदी के लिए बाकी मुल्क भी तो हैं, इंडिया को ही क्यों ले लिया उसने? नहीं, हमें थोड़ा खुले जहन से सोचना पड़ेगा कि इंडिया हो या पाकिस्तान हो या हम दोनों के अलावा कोई भी कंट्री हो, एक अच्छा उसने स्टैंड लिया कि जंगबंदी के लिए खास उसने इंडिया को चूज़ किया या किसी भी कंट्री को चूज़ किया। हाँ, अगर उसको लगा कि इंडिया बीच में अगर आके तो इसमें कोई फेवर दे सकता है या कोई सोल्यूशन निकल सकता है तो वाई नॉट, निकलना चाहिए। ओके तो उसने यूएन से क्यों नहीं मदद मांगी, क्योंकि यूएन भी जो है वो पीस के लिए उसको जाना चाहता है, तो मेरे ख्याल में जो यूनाइटेड नेशंस हैं उनका हक पहले बनता है कि रशिया और जो यूक्रेन है उसके दरमियान जंग बंदी कराई जाए, ताकि इंडिया को वहाँ पर मुदाखलत करने की ज़रूरत ही ना पड़े। यूनाइटेड नेशंस का कितना वो पीस में है अमल दखल नजर नहीं समझते हो? लेकिन उसको पीस मेकिंग के लिए बनाया गया ना, किसी दो कंट्रीज के दरमियान अगर जंग छिड़ती है तो वो अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन दोनों कंट्रीज वक्त सुन नहीं रही हैं, एंड यूक्रेन चाहता है कि जंग बंदी हो, इसलिए उसने इंडिया को बीच में ले आया। बहुत सारी चीज़ें किसी खास मकसद के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन उस मकसद के लिए उन चीज़ों को यूज नहीं किया जाता। ठीक, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो इंडिया है, जैसे कि वो खुद एक सेकुलर स्टेट में आती है, ठीक हो गया, तो उसकी हुकूमत देखा जाए स्टेबल नज़र आ रही है, इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, तो इन दो चीज़ों को लेकर क्या यूक्रेन ने मदद मांग ली है इंडिया से? मुझे नहीं लगता कि ये सोच के उन्होंने ये सोल्यूशन वो मदद मांगी है, मुझे ऐसा नहीं लगता। डिप्लोमेटिक तरीके से अगर कहा जाए तो वो
बहरहाल इसमें हमें, मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें इसको ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए। ओके, तो पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर रहा है रशिया के साथ या यूक्रेन के साथ? पाकिस्तान बहुत अच्छा किरदार निभा रहा है दोनों के बीच में, और जैसा किसी भी एक जुम्मेदार स्टेट को करना चाहिए वो वैसा ही कर रहा है। थैंक यू सो मच सर आपके पिन कला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर इस वक्त बात करें हम यूक्रेन और रशिया की, तो इनके दरमियान में एक वॉर चल रहा है इसकी जंग बंदी के लिए, इंडिया का सपोर्ट मांगा है यूक्रेन ने, तो क्या वजूहत हो सकती हैं कि यूएन, जिसको हम कहते हैं कि वो एक पीस के लिए इदारा बनाया गया है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा, तो तब जाके यूक्रेन ने इंडिया से मदद मांग ली है, तो क्या सूरत हाल है, क्या वजूहत है इस चीज़ की? बेसिकली पहले तो मैं अप्रिशिएट करूँगा यूक्रेन जैसे छोटे मुल्कों की, वो रशिया के साथ इतना बड़ा वॉर चल रही है, जिसमें देखिए अगर आपने सुना होगा तो अभी यूक्रेन अभी फिलहाल स्टेबल, हालांकि छोटा सा मुल्क है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा छोटा मुल्क है। बेसिकली पता क्या बात है, जिस तरह से यूक्रेन रशिया के साथ अपनी वॉर कर रहा है, उसने अब तो यूएन जिसको आप कह रही है वो तो ख़त्म हो चुका है। मैं नहीं समझता कि उसके पास कोई मदद मांगने के लिए जाएगा, उसके अगर मांगने के लिए जाते तो उसे भीख मांगने जाते, सिंपली मैं बात करूँगा, मुझे किसी से डरने की बात नहीं है। देखिए अब यूक्रेन जो यूएन है उसके पास कोई इतनी ताकत खास है नहीं, क्योंकि अगर मैं बात करूँ रशिया की, रशिया बहुत ज़्यादा इस टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट मुल्क जा रहा है, रशिया जा रहा है, उसके बाद इंडिया जा रहा है, उसके बाद जा रहा है तो चाइना जा रहा है, सिर्फ ये तीन ममालिक रह चुके हैं। जो यूएन की बात कर तो लाइक अमेरिका की बात करिए तो अमेरिका जो चाहता है, क्या चाहता है, वो ये है कि मेरी हुकूमत रहे, मैं सबका अबू बन के चलूँ, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सब दौर बदलने वाला है, क्योंकि आपके सामने जिस तरह की अब वार वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। बेसिकली वो इंडिया के पास क्यों गया, क्योंकि इंडिया को वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, बनने क्या जा रहा है, बंद आपको सबको नज़र आ रहा है, क्योंकि कनाडा को भी बीट कर चुका है। आपको क्या लगता है कि इंडिया जोन सा है कि ये जंग बंदी करवा पाएगा या नहीं, क्योंकि यूक्रेन के साथ G20 का वो प्रेसिडेंट है, नो डाउट, ठीक हो गया, लेकिन रशियन सपोर्ट उसके साथ बहुत ज्यादा है, तो आपको लगता है कि एक डिप्लोमेटिक वे बन जाएगा ये? बेसिकली पता है क्या बात है, अगर जिसने वॉर रुकवानी है ना, वॉर रुकवाने के लिए तो कोई भी आगे आ सकता है, लाइक अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना भी आ सकता है। देखिए सबसे पहले जो सब चाहते हैं वो अमन चाह रहे हैं, क्योंकि अगर जो अब वॉर हुई वो वॉर लास्ट होगी, उसके बाद कोई वॉर नहीं होगी, उसके बाद फिर वही टेबल टॉक ही होती है आपके सामने जो भी होती है, उसके बाद जो अगर थर्ड वॉर जो कहते हैं जो इसको मेरे नज़र में से नाम निकल गया, अगर वो वॉर हुई तो उस टाइम कुछ भी नहीं बचेगा, सब फना हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा, यहाँ पे जब आप खड़ी हैं ये भी पानी हो जाएगा। बेसिकली वो इंडिया के पास क्यों गया है, देखिए इंडिया तो खैर मैं मान तो रशिया का बहुत ज़्यादा उनके साथ ट्रेडिंग वगैरह चल रही है, उनकी तो जो मामला था वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बट अब जो इंडिया देखे, इंडिया तो यही चाहेगा कि जिस तरह से वॉर चल रही है, बहुत ज़्यादा जाने जा रही हैं, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है, बहुत ज़्यादा जाने जा रही हैं, तो इसी वाले से वो आगे बढ़ चढ़ के वो यही करेगा कि यार जो जंग है वो उसको बैठ के हम वॉर जो है उसको बैठ के हम ख़त्म करें, जो अमन का पैगाम है वो आगे पहुँचे। बेसिकली पता है क्या बात, इंडिया अब स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहा है, क्योंकि अमेरिका चाह रहा था कि सब अच्छा, यूएन कहां पर गया फिर, मेरे ख्याल में तो फिर उस इदारे को खत्म हो जाना चाहिए। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं ना, जो बेसिकली जो अमेरिका चाह रहा था कि मैं सबका अबू बनूं, जो चाइना था वो कहता था नहीं, क्योंकि उसने चाइना के ऊपर बड़ा बर्डन डाला था कि चाइना भी मेरे नीचे है, बट चाइना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो अमेरिका था, अमेरिका ने चाइना से अपनी इंडस्ट्री उठा के इंडिया में शिफ्ट कर दी, उन लोगों ने सोचा कि इंडिया चाइना को बहुत ज़्यादा इस पर बर्डन बढ़ेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर आपने देखा घर घर में उनकी अपनी फैक्ट्रियाँ लगी हैं, गूगल पिक्सल उनका फ़ोन है, अब आप लोग आईफोन उठा के अगर इंडिया में इंडस्ट्री लगा भी देते तो क्या हो गया, अगर जो बाकी सारी सप्लाई है वो तो चाइना से जा रही है ना, कौन सी इंडिया खुद बना रहा है। बेसिकली मेरा बात करने का नज़रिया ये है कि जो भी चाहे, बट अब चाइना नो डाउट फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, हम कहते हैं कि इंडिया चाइना को बीट कर जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ चाइना जो है इंडिया को यूएन को बीट कर देगा, बट जो है इंडिया वो यूएनए को भी बीट कर देगा, ये सीन है। क्योंकि देखिए बेसिकली बात जो है ना ये यहाँ पे आई खत्म होगी, क्योंकि सब अमन चाहते हैं, क्योंकि देखिए मैं पाकिस्तानी, मैं भी अमन चाहूँगा, क्योंकि अमन से सब कुछ है। अगर हम क्या हो गया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम है सैफ अली। अच्छा अली, मुझे बताएं कि अगर मैं इस वक्त बात करूं रशिया एंड यूक्रेन की, तो उनके दरमियान में जंग चल रही है, ठीक हो गया, और जंग बंदी के लिए जो यूक्रेन है वो कह रहा है कि इंडिया हमारी मदद करे, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया जैसा मुल्क यूक्रेन की मदद करेगा जंग रोकने के लिए? बेसिकली अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया उनकी मदद करेगा, ठीक है, अगर की भी तो मुझे इतना उम्मीद है कि यार वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या मदद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्या नाम है रेंजर्स भेजेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी फोर्डिंग कर देंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इनकी ज़्यादा मदद नहीं करेंगे वो, ठीक है, क्योंकि इनकी में आपस में पहले इनकी खिलाफत पैदा हुई थी, ठीक है, इनमें आपस में एक दफ़ा जंग हुई थी, तो उसके बाद मैक्सिमम क्या नाम है दूसरी टीम क्या बताइए, रशिया, हाँ रशिया की जोन सी आखिरी में बात रह गई है, वो उनकी आपस में अगर जंग हो भी रही है तो उनमें आपस में खिलाफत जोन सी पैदा हो गई है ना, वो इन पाकिस्तान की वजह से या इंडिया की वजह से हुई है, ठीक है, अगर इनमें मोहब्बत होती या इनमें प्यार वगैरह होता तो ये आजकल के जोन से माशरे चल रहे हैं कि हो जाता है मैक्सिमम, मुझे थोड़ा सा ओके जो यूनाइटेड नेशन है, सही हो गया, आपको क्या लगता है कि यूनाइटेड नेशन इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है? वो तो पीस के लिए बनाया गया, तो मेरे ख्याल में यूक्रेन को उनसे मदद लेनी चाहिए थी।
यूक्रेन को अगर बेसिकली नज़र से देखा जाए तो उनको पाकिस्तान की मदद लेनी चाहिए थी। अगर पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान जिंदाबाद, तो पाकिस्तान आपको पता है एक बहुत अच्छी कंट्री है और इंशाल्लाह सबकी मदद करते हैं और इनकी भी इंशाल्लाह मदद करेंगे अगर वो इनके साथ अगर रजू करेंगे तो। सही हो। थैंक यू सो मच रघुपिन, कल हाफिज़।